हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसा पाठी। आज हमारे पास एक सीरीज का बेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो सीरीज दिया हुआ है इसका प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम सीरीज में देखते हैं तो ये सीरीज में तो है, क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 9 से शुरू हुआ है और 10 टू द पावर 9 तक गया है। अगर हम इसमें देखते हैं तो एपी का सीरीज नहीं दिख रहा है, जीपी का भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग एक चीज इसमें देख पा रहे हैं कि सिमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है। अगर सिमेट्री के हिसाब से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर नजर दौड़ाते हैं तो क्या है, यहाँ पे 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 1 और एंडिंग कहां तक है, 1 बाय 10 टू द पावर 9 प्लस 1। अगर दोनों का अगर कंबाइन करके देखते हैं तो हम लोग क्या मान सकते हैं, ये एफ एक्स है और यहां पे भी क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। अगर एफ एक्स को देखते हैं तो यहां पे देखते हैं क्या है, 10 टू द पावर माइनस 9 की जगह पे माइनस एक्स हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पे। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 1 और 10 टू द पावर 9 प्लस 1, इसी तरह से पेयर बनते जाएगा और यहां कहीं पे बीच में कौन सा होगा, एफ जीरो। तो सबसे पहले 1 तक निकालते हैं, माइनस 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो f माइनस x का क्या दिया हुआ है, f माइनस x इज इक्वल टू है 1 बाय 10 टू द पावर माइनस x प्लस 1 और ये एफ एक्स का दिया हुआ है 1 बाय 10 टू द पावर x प्लस 1। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं यहां से इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय 10 टू द पावर एक्स प्लस 1। जब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 और 10 टू द पावर एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहां पे क्या होगा, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1, रीअरेंज कर दिए इसको, डिवाइड बाय यहां पे क्या बचा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस x और यहां पे प्लस x प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 10 टू द पावर एक्स प्लस 1। अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ा के लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, जो कंबाइन करके बनाता है क्या है, 10 टू द पावर 0। फिर आगे देखते हैं क्या है, प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 10 टू द पावर एक्स प्लस 1, यहां पे क्या है, माइनस एक्स है, ठीक। अब यहां पे देखते हैं क्या है कि 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 है और 10 टू द पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 10 टू द पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस x प्लस 10 टू द पावर x प्लस 1 एंड 1 2। यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आया, तो इसको कट करके इसका वैल्यू कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। इसी तरह से जो पेयर बनेगा वो कितना पेयर बनेगा, 9 पेयर बनेगा, 9 पेयर मींस क्या हो गया, 9 इंटू 1 प्लस एक हम लोग यहां पे छोड़ चुके हैं
एफ जीरो। अब यहाँ पे एफ जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। जब एफ जीरो को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एफ जीरो का क्या वैल्यू देता है यहाँ पे, यहाँ पे निकाल देते हैं। एफ जीरो इज इक्वल टू, इसी पे पुट करते हैं, 1/10^0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/10^0 का वैल्यू 1 हुआ प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। मीन्स एफ जीरो का वैल्यू हमारे पास 1/2 आया, हाफ आया। तो हम लोग लिख सकते हैं 9+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.5। ये हमारा आंसर है। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।